खंडार से विधायक और संसदीय सचिव जितेंद्र गोछवाल से खास बात की। इस दौरान संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने खंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ये हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इनके विधानसभा क्षेत्र में आई है, लोगों से बातचीत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याएं भी होती है जो कि मुख्यमंत्री जब उनसे सीधा संवाद करती है तो ग्राउंड रियलिटी भी पता चलती है। लेकिन आइए हम अभी बातचीत करते हैं जितेंद्र गोठवाल साहब से। गोठवाल साहब, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री के इस दौरे से कितना कुछ फायदा होने वाला है? जैसा कि अक्सर होता है कि मुख्यमंत्री जी का जब जब भी किसी क्षेत्र में दौरा होता है तो मुख्यमंत्री जी बहुत सारी सौगात देकर जाती हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने भी खुले मन से मुख्यमंत्री जी के साथ बात की। पहले सत्र के अंदर प्रबुद्ध जनों के साथ वकील, सीए, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और व्यापार संघ के लोग और साथ ही बहुत सारे खिलाड़ी, छात्र संघ अध्यक्ष, इस तरह के लोगों ने उस मीटिंग में शिरकत की और मुख्यमंत्री जी से बहुत सारी चर्चा की। मुझे लगता है इस खुले मन से बात करने का अवसर मुख्यमंत्री जी से हमारे क्षेत्र के आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा खुद को, क्योंकि फायदा तो आपको मिलने वाला है निश्चित तौर पर। जब किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री बूथ के कार्यकर्ता के साथ बैठने लगेगी तो स्वाभाविक तौर पर उसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। कुछ आपके प्रतिद्वंदी आपको लेकर कुछ चर्चाएं करते हैं, कहते हैं कि एरोगेंट है, बातें नहीं सुनते, ये इस तरीके की जो बातें ये क्यों सामने आती है? निश्चित तौर पर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी दुकान बंद हो गई, जिन लोगों को ये लगता है ये विधायक सीधा गांव में जाके संपर्क करता है और हमें मध्यस्थता करने का अवसर नहीं देता, स्वाभाविक तौर पर उनके लिए ये आलोचना करना और इस तरह की टिप्पणी। अधिकारी आपसे नाराज रहते हैं कई बार, मैंने सुना कई अधिकारी जो है उनमें नाराजगी रहती है आपको लेकर। अधिकारियों में नाराजगी होना स्वाभाविक तौर पर वाजिब है। जिस तरह का अधिकारियों का चलन हो गया है, जिस तरह की उनकी कार्यशैली हो गई है, अगर उन लोगों को साथ खींच के काम नहीं लिया जाए तो मुझे नहीं लगता सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को हम जनता के फायदे के लिए नीचे उतार पाएंगे। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा और सुरेंद्र सैनी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।